हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले करंट अफेयर। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल और यूपी करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने 275 क्वेश्चन कवर कर रखा है, यानी सेट नंबर 11 तक। आज इसके आगे सॉल्व करेंगे सेट नंबर 12, यानी 275 क्वेश्चन से आगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले से बता दें, हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको रेगुलर और पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है कि रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ, यानी जो आरएएफ होता है, इसका मींस होता है रैपिड एक्शन फोर्स की 91 यानी 91 बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा। तो रैपिड एक्शन फोर्स की 91 बटालियन का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, लखनऊ में बनाया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। लखनऊ में रैपिड एक्शन फोर्स की 91 बटालियन का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। मुख्यालय बक्सी का तालाब के बाजपुर गढ़ गौरा गांव में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर पेंडान कर लीजिएगा, क्योंकि जो गढ़ गौरा गांव है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में पूछना होगा तो यहाँ गाँव से पूछ लेगा। ठीक है, और इसमें आपात की स्थिति में कम समय में सेना जो है बल इकट्ठा हो सकती, घटनास्थल पर पहुंच सकती है। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन है कि रैपिड एक्शन फोर्स की 91 बटालियन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाएगा, यह लखनऊ में बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहला विमान जो है किस देश के राष्ट्रपति का उतरेगा। यानी जो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, वहाँ पे किसका विमान सबसे पहले उतरेगा। तो वहाँ पे श्रीलंका के राष्ट्रपति का विमान सबसे पहले उतरेगा। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। ठीक है, तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहला विमान जो है किस देश के राष्ट्रपति का उतरेगा, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का उतरेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार उत्तर प्रदेश से किस देश को केला निर्यात किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार बने एग्जाम में। ठीक है, तो हाल ही में पहली बार उत्तर प्रदेश से किस देश को केला निर्यात किया गया है, तो उत्तर प्रदेश से जो है केला को ईरान को निर्यात किया गया है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की एजेंसी एपिडा के निर्माण के रूप में काम करेगी। इस क्रम में उत्तर प्रदेश से 14 अक्टूबर 2021 को केले की पहली खेप जो है ईरान के लिए मैसर्स देसाई एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रवाना की गई। ठीक है, और यह कार्गो समुद्र से भेजा गया है। निर्यात किए गए केले की इस खेप में को लखीमपुर के पलिया कला में उपजाई गई है। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विदेशी बाजार में यूपी के केले को भेजा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा फाइनली क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पहली बार उत्तर प्रदेश से किस देश को केला निर्यात किया गया है, तो यह ईरान को निर्यात किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में पहली वन हेल्थ परियोजना जो है किसने शुरू की। तो अक्टूबर 2021 में वन हेल्थ परियोजना जो है रेणु स्वरूप ने शुरू की। किसने शुरू की? रेणु स्वरूप ने। अगला क्वेश्चन है कि हुनर हाट का आयोजन जो है 16 से 25 अक्टूबर 2021 के मध्य जो है किस राज्य में किया गया। तो देखिए 16 से 25 अक्टूबर के मध्य, ठीक है, 16 से 25 अक्टूबर के मध्य जो है हुनर हाट का आयोजन जो है कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बने हर एग्जाम में। ठीक है, हुनर हाट से। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेंगे कि हुनर हाट का आयोजन जो है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच किया गया। कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। ठीक है, यह बेस्ट फ्रॉम वेस्ट की विषय वस्तु पर आधारित होगा। तो विषय वस्तु इसका याद रखिए, सब्जेक्ट जो है बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, कि विषय वस्तु पर आधारित होगा।
यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है देश भर में आयोजित होने जा रहे 75 हुनर हाट की श्रृंखला के एक भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, देश भर में आयोजित होने वाले हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका मुख्य आकर्षणों में से एक होगी। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या है कि हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 के मध्य जो है किस राज्य में किया गया, तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल के बग हंटर हॉल ऑफ फेम में स्थान बनाने वाले उत्तर प्रदेश के मयंक किस जिले से है, यानी गूगल के बग हंटर हॉल ऑफ फेम में स्थान बनाने वाले उत्तर प्रदेश के मयंक जो है किस जिले से हैं, तो यह प्रयागराज से संबंधित है। ठीक है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद से है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बता दें वीडियो यदि हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो के ऊपर लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच जाए। फ्रेंड्स आज इसी के साथ यह जो क्वेश्चन 300 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, और जैसे ही 500 क्वेश्चन कवर होगा तुरंत आपको यह वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाल ही में जारी प्रस्ताव के अनुसार जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा जो है राजघाट से घटाकर कितना किया जाएगा, तो देखिए रिसेंटली में एक प्रस्ताव जो है प्रपोजल जो है पास हुआ, उसके तहत जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दायरा है राजघाट से घटाकर 100 किलोमीटर कर दिया जाएगा। ठीक है, 100 किलोमीटर कर दिया जाएगा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRPB NCR क्षेत्र के दायरे को कम करने के प्लान पर काम कर रही है, और वर्तमान में NCR में उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान के 24 जिले पूरे दिल्ली में शामिल हैं वर्तमान में इतना क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाकी ये सब क्वेश्चन तो काफ़ी डेप्थ हो गए, ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जारी प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा राजघाट से घटाकर कितना कर दिया जाएगा, तो 100 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा बना है। देखिए रोपवे, भारत में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बना है। ठीक है, कौन बना है, वाराणसी बना है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला वाराणसी भारत का पहला शहर बना है। सेकेंड पॉइंट है कि वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोल्विया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बन जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे भारत में देखें तो वाराणसी पहला शहर है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो बोल्विया और मैक्सिको सिटी के बाद जो है यह तीसरा शहर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किसे शामिल किया गया। तो हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को 1DOP में शामिल किया गया, तो लाल मिर्च को शामिल किया है। भैया इसको नोट कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हाल ही में वाराणसी के लाल मिर्च को जो है एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। अब यहाँ से देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अब मिर्च को शामिल कर लिया गया है। वाराणसी के सुप्रसिद्ध लाल मिर्च से चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और चिली सॉस तैयार किया जाता है। यह उसे देश विदेश के बाजारों में उतारा जाएगा। बनारसी लाल मिर्च का अचार जो है और भरवा के रूप में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कहाँ से भारतीय आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत किए हैं, तो यह वाराणसी से किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 25 अक्टूबर को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत जो है कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग को प्रति व्यक्ति कितने रुपए की राशि दी जाएगी, यानी अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए जो लोग अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए गुजरात जाएंगे, ठीक है,
देखिए, अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा जनजाति वर्ग को प्रति व्यक्ति कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी गुजरात राज्य के द्वारा जो है, जो जनजाति वर्ग यदि अयोध्या यात्रा करने आते तो उन्हें वहाँ की सरकार जो है 5,000 रुपये देगी। तो यहाँ पे गुजरात सरकार जो अयोध्या में राम जन्मभूमि की यात्रा करने वाले प्रत्येक आदिवासी व्यक्ति को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए उपाध्यक्ष जो है किसे निर्वाचित किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में नितिन अग्रवाल को निर्वाचित किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सोमवार को 37 साल बाद फिर उपाध्यक्ष पद पर चुनाव की गवाह बनी है। ठीक है, यानी कौन बनी है? नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों से दहेज संबंधी शपथ पत्र मांगा है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों से दहेज संबंधी शपथ पत्र मांगा है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दहेज को लेकर अभियान यानी कैंपेन अगेंस्ट डाउरी छेड़ दिया है। ठीक है, इसके तहत अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को अब यह घोषणा करनी होगी कि उन्होंने अपनी शादी में दहेज लिया है या नहीं लिया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों से दहेज संबंधी शपथ पत्र मांगा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मांगा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गंगा नर्सरी योजना शुरू की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में जो है 27 जिलों में गंगा नर्सरी योजना शुरू की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, राइट? तो उनमें से 27 जिलों में जो है गंगा नर्सरी योजना शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि देश भर में अपराध करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देश भर में अपराध करने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में जारी एक ताजा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य जो है अपराध करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं देश भर में अपराध का पता लगाने के मामले में भारत का गोवा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो गोवा राज्य द्वारा चलाई गई अहम पहलों की मदद से गोवा राज्य में रैंकिंग शीर्ष स्थान पर रहा है। लेकिन जो है यहाँ पे अपराध के मामले में अगर देखा जाए तो अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोदी वैन लॉन्च की गई है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोदी वैन लॉन्च की गई है? ठीक है, तो यह कौशाम्बी जिले में। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई है। इस वैनों को भाजपा की सेवा के संगठन कार्यक्रम के तहत जो प्रधानमंत्री मोदी के शासनाध्यक्ष के रूप में 20 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। तो फाइनली क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोदी वैन लॉन्च किया गया? तो कौशाम्बी में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए, कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश को। देखिए, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की ओर से उत्तर प्रदेश को कृषि के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं हरियाणा को नवाचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार से नवाजा गया है, जबकि उत्तराखंड को बागवानी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 12वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस से को संबोधित करते हुए हरियाणा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में कृषि क्षेत्र को अच्छा काम हो रहा है इसको बताया है। ठीक है, तो यही भी हमारा फाइनली क्वेश्चन, ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाल ही में कृषि के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाने के लिए अवशेष या विशेष कपड़ा तैयार किया है? यानी हाल ही में
किस संस्थान ने धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाला एक विशेष कपड़ा तैयार किया है? तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने ऐसा तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कानपुर के किस छात्र ने दृष्टिहीनों के लिए ब्लाइंड ग्लव्स का निर्माण किया है? तो निर्भय कटियार ने ऐसा किया है। ठीक है, निर्भय कटियार ने, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं, कि छात्र हैं जो कि दृष्टिहीनों के लिए ब्लाइंड ग्लव्स का निर्माण किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का फैसला किया है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलने का फैसला किया है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार को मंजूरी के बाद जल्द ही आधिकारिक बदलाव की सूचना जो है जारी की जाएगी। इसके पहले जिले का नाम जो है फैजाबाद की जगह अयोध्या किया गया था। ठीक है, जो फैजाबाद का नाम अब क्या हो गया है, अयोध्या हो गया है। और उसके बाद अब सरकार जो है फैजाबाद जंक्शन का नाम जो है बदल कर क्या कर देगी, अयोध्या कैंट कर देगी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जरूर पेन डाउन करिए क्योंकि यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, हम जो 25 क्वेश्चन पर डे करवाते हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आप अगर सेट वन, सेट टू, सेट थ्री इस तरह करके अगर आपने रफ या किसी फेयर पे लिखेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी और जैसे ही 500 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी आप देखते ही ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में नया गोरखपुर बसाया जाएगा। तो हाल ही में प्रदेश में नया गोरखपुर बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह शहर जो है सोन बरसा रोड कुशीनगर मार्ग पर करीब 2500 एकड़ में बसाया जाएगा। शहर के बीचों बीच में मेट्रो सिटी की तर्ज पर एक सिटी सेंटर बसाने की भी योजना है। इस नए गोरखपुर में करीब 1.5 लाख की आबादी बसाने की योजना है। इसके लिए महायोजना 2031 में प्रावधान किए जा रहे हैं कि इस नए शहर में ग्रुप हाउसिंग, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप जैसी सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में नया गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गैस पाइपलाइन को मॉनिटरिंग करने के लिए खास तरह का रोबोट तैयार किया गया है, तो यह रोबोट किसने तैयार किया है? तो देखिए, हाल ही में गैस पाइपलाइन की मॉनिटरिंग करने के लिए एक खास प्रकार का रोबोट तैयार किया गया, उसको किसने तैयार किया, आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है। ठीक है, किसने तैयार किया है, आईआईटी कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नदियों के पानी की गुणवत्ता प्रदूषण स्तर की जानकारी देने वाले हाईटेक रोबोट किसने तैयार किए हैं? तो हाल ही में यानी रिसेंटली में नदियों के पानी की गुणवत्ता जो है प्रदूषण स्तर की जानकारी देने के लिए हाईटेक रोबोट किसने तैयार किए हैं? तो आईआईटी कानपुर ने तैयार किए हैं। राइट, तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग तकनीक पर आधारित होगा, या किस तकनीक पर आधारित होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या फ्लोटिंग तकनीक पर आधारित होगा। इसको पानी में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पहला रोबोट जो है बिठूर के पास जो है गंगा पुल पर लगाया जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला रोबोट कहाँ लगाया जाएगा, तो यह जो है बिठूर के पास गंगा पुल पर लगाया जाएगा। तो नदियों की पानी की गुणवत्ता प्रदूषण स्तर की जानकारी देने के लिए एक हाईटेक रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, या किसने तैयार किया, आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस शहर के मेडिकल कॉलेज में हुआ है, यानी यहाँ पे कानपुर में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं कि GSVMA मेडिकल कॉलेज के LLR अस्पताल हेलेन में प्रदेश का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। तो यहाँ हमारा फाइनली क्वेश्चन यही है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार
पहली बार हुआ, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है किस शहर के मेडिकल कॉलेज में हुआ है, तो यह कानपुर में हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किए हैं। तो यह देखो ऐतिहासिक होगा क्योंकि एक साथ ऐसा हुआ है, तो इसकी वजह से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज को एक साथ उद्घाटन किए हैं, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, तो 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह रहा आज का करंट अफेयर, यानी हम लोगों ने 300 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रखा है, ठीक है, यानी सेट नंबर 12 तक। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट जो है हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।